हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड आखिरी लेक्चर करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग कुछ हीटिंग इफेक्ट्स पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है बच्चों, तो एक न्यूमेरिकल आपके सामने लिखा हुआ है, इस न्यूमेरिकल को जरा हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं कि टू लैंप्स रेटेड 100 वॉट 220 वोल्ट एंड 60 वॉट 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू 220 वोल्ट सप्लाई। फाइंड करंट ड्रॉन फ्रॉम सप्लाई लाइन। यानी कि दो लैंप्स हैं, ठीक है। पहला जो लैंप है उसकी रेटिंग दे रखी है कि उसका पावर है 100 वॉट और उसका जो पोटेंशियल है, जिस पोटेंशियल पर आप उसको ऑपरेट कर सकते हो मैक्सिमम, वो है 220 वोल्ट। और जो दूसरा है बल्ब, उसका रेटिंग क्या है, पावर 60 वॉट और पोटेंशियल 220 वोल्ट। इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है 220 वोल्ट सप्लाई से। तो अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं तो ये डायग्राम बच्चों हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। पैरेलल में कनेक्टेड है ठीक है, इस तरीके से ये 220 वोल्ट का सप्लाई है, यहां आपने 100 वॉट 220 वोल्ट कनेक्ट कर रखा है, यहां 60 वॉट 220 वोल्ट कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, जब ऐसा कनेक्ट करेंगे दो इलेक्ट्रिक लैंप्स को तो जाहिर सी बात है बैटरी से जब आप कनेक्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ करंट इसके थ्रू फ्लो करना चाहिए। मान लेते हैं करंट आई फ्लो कर रहा है, तो कह रहा है फाइंड करंट ड्रॉन फ्रॉम सप्लाई लाइन। ये जो सप्लाई लाइन है इससे कितना करंट फ्लो करेगा ये आपको निकालना है। अब लॉजिकली सोचिए बच्चों, देखिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, करंट निकालने को बोल रहा है। तो ओम्स लॉ कहता है कि भैया पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और रेजिस्टेंस, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। वी इज इक्वल टू आई आर, यानी आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो इन दोनों का अगर मुझे रेजिस्टेंस पता चल जाए तो पैरेलल में ये है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है उससे उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो करंट मेरा निकल कर आ जाएगा। तो जरा देखते हैं इसको। सबसे पहले तो मुझे क्या क्या गिवन है ये जरा देख लेते हैं। हमें गिवन है कि जो पहला सोर्स है, जो सॉरी जो पहला लैंप है उसका पावर P1 है 100 वॉट, और जो पोटेंशियल डिफरेंस V1 है वो 220 वोल्ट है। और यहां पर कौन सा हम लोग अप्लाई कर रखा है, 220 वोल्ट, यानी यही 220 वोल्ट इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा, तो पोटेंशियल तो हम लोग 220 वोल्ट का ही लेंगे। यहां से आप निकाल लीजिए रेजिस्टेंस। देखिए पावर का फॉर्मूला होता है बच्चों वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, तो यहां से रेजिस्टेंस आप लिख लेंगे, यहां P1 V1 R1, तो यहां से रेजिस्टेंस जो R1 है वो आपका हो जाएगा V1 स्क्वायर अपॉन P1 होगा। V1 कितना है, 220, तो 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय P1 कितना है आपका 100, ये कट कर दीजिए आप, ये आपका आ गया 484 ओम। आगे बच्चों पहला रेजिस्टेंस। उसी तरीके से दूसरा अगर आप देखें तो आपको P2 दिया हुआ है 60 वॉट और V2 दिया हुआ है 220 वोल्ट। यहां से भी आप चाहें तो डायरेक्ट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं R2, जो कि आपका होगा V2 स्क्वायर अपॉन P2। V2 की जगह आप लिखेंगे 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 60। क्लियर है, क्योंकि ये 0 से ये कट जाएगा, ये 2 से 11 टाइम्स जाएगा और ये 3 आ जाएगा, यानी कितना हो गया बच्चों 2220 इंटू 11, 22 इंटू 11 होता है 242, तो ये हो जाएगा 2420 अपॉन 3 ओम, राइट। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है
दो का वो हम लोग कैसे निकालेंगे, वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू। आर वन कितना है, वन अपॉन 484 प्लस ये आपका हो जाएगा रेसिप्रोकल में 3 अपॉन 2420। ठीक है, तो इसका अगर आप इसमें से आप देखिए, आप पहले से ही चूंकि इसका एलसीएम बड़ा हो जाएगा बच्चों, देखिए इस ये भी 22 के टेबल में आ रहा है, 484 22 इनटू 22, और इसमें भी 22 का टेबल आ रहा है। ऐसा करते हैं 22 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो 1 अपॉन 22 हमारा कॉमन हो जाएगा। बचा है क्या, इसमें से 22 निकला तो सिर्फ 22 बचा प्लस 3 अपॉन 110। ठीक है बच्चों, अब इसका आप एलसीएम ले सकते हैं। इसका एलसीएम आप लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 22, तो आपका बाहर कॉमन है 22 और 110 का जो एलसीएम है वो आपका 110 आएगा। तो ये जाएगा आपका 5 टाइम्स और वो तो 3 टाइम्स जाएगा, 5 प्लस 3 8, यानी कि ये आ गया आपका 8 अपॉन 22 इंटू 110। ठीक है, इसको आप कट करिए 2 से तो 4 टाइम्स, ये 11 टाइम्स, और अब आप रेसिप्रोकल अगर आप ले लें तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 11 इंटू 11 121, 1210 अपॉन 4 ओम, इतना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा निकल कर आ गया। इसको आप चाहे तो आप 2 से कट कर सकते हैं, लेकिन फाइनली हमें करंट निकालना है। करंट क्या होता है बच्चों, आई होता है इक्वल्स टू वी अपॉन आर होता है, तो वी की जगह हम लोग लिख देंगे 220 डिवाइडेड बाई आर की जगह लिख देंगे 1210, और ये 4 जो हमारा है ये ऊपर जाकर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया 88 अपॉन 121 एम्पियर। ठीक है बच्चों, चलिए इसको आप चाहे तो 11 से कट भी कर सकते हैं, अगर आप 11 से कट करेंगे तो हो जाएगा 8 अपॉन 11 एम्पियर। ठीक है, चलिए इसे नोट कर ले बच्चों, समझ समझ कर नोट कर लीजिए इसको। चलिए बच्चों, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, इसमें 5 पार्ट्स हैं, इन 5ों पार्ट को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन फॉलोइंग क्वांटिटीज ऑन बेसिस ऑफ सर्किट एज शोन बिलो। देखिए आपको एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें आपके पास 125 वोल्ट की एक बैटरी है, और उससे हमने 3 रेजिस्टर्स 20 ओम 30 ओम और 50 ओम इन तीनों कनेक्ट करा है। कैसे कनेक्ट करा है बच्चों, सीरीज में कि पैरेलल में, सीरीज में कनेक्ट करा है। ठीक है, तो इसमें 5 पार्ट आपसे कह रहा है। पहला कह रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिटरमाइन करने को, तो इसका जरा सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहले पार्ट में हमसे क्या कह रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने को। तो अब मुझे ये बताइए कि चूंकि ये तीनों जो रेजिस्टर्स हमारे हैं ये सीरीज में कनेक्टेड हैं, और सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का जो मेथड है आपने सीखा है वो होता है आपका इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, 3 रेजिस्टर के लिए यही होगा। तो भाई पहला रेजिस्टेंस है हमारा 20, दूसरा है 30 और तीसरा है 50, यानी ऐड करिएगा टोटल 100 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका निकल कर आ रहा है। क्लियर है बच्चों पहला पार्ट। दूसरा पार्ट कह रहा है टोटल करंट फ्रॉम पावर सप्लाई। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि भाई इस पावर सप्लाई से जो करंट आपका आई फ्लो करेगा टोटल करंट वो कितना होगा ये आपको पता करना है। तो हम लोगों को पता है आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट होता है, ओम्स लॉ से ये होता है आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो सोर्स का जो सप्लाई है वो कितना है, 125 वोल्ट का है, और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हमारा 100 ओम निकल कर आया है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1.25 एम्पियर का जो करंट है बच्चों वो मेन सप्लाई से पावर सप्लाई से आपका फ्लो करेगा। आई होप सेकेंड भी आपको क्लियर है। तीसरा कह रहा है करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। तो देखिए चूंकि तीनों रेजिस्टर सीरीज में है और सीरीज में आपने पढ़ा था
आपने पढ़ा था कि जब भी हम सर्किट को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तब सेम करंट सारे रेजिस्टर्स के अक्रॉस फ्लो करता है। तो जितना करंट ये आई जो है वो 20 ओम से भी क्रॉस करेगा, वही करंट 30 ओम से और वही करंट 50 ओम से क्रॉस करेगा। इसीलिए हम लिखे हैं कि सिंस 20 ओम, 30 ओम एंड 50 ओम आर इन सीरीज। कैसे हैं बच्चों ये? आर इन सीरीज, देयरफॉर सेम करंट विल फ्लो अक्रॉस ईच रेजिस्टर। होगा ऐसा बच्चों? कितना करंट फ्लो करेगा? आई इज इक्वल टू 1.25 एम्पियर जितना करंट फ्लो करेगा, राइट? फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में क्या है? वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर। देखिए जब यहां से करंट फ्लो करेगा तो कुछ वोल्टेज 20 ओम के अक्रॉस खर्च होना चाहिए, कुछ 30 ओम के अक्रॉस खर्च होना चाहिए और कुछ 50 ओम के अक्रॉस खर्च होना चाहिए। तो ये जो वोल्टेज हमारा खर्च होगा सबके अक्रॉस हम लोग निकालते हैं, वोल्टेज अक्रॉस आर वन कितना होगा? देखिए V इज इक्वल टू आई आर होता है इसलिए V वन हो जाएगा इक्वल टू आई इंटू आर वन। V वन क्या है? जो आर वन यानी कि 20 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल खर्च हो रहा है। क्लियर है बच्चों? कितना पोटेंशियल खर्च होगा? आई आपका है 1.25 और आर वन आपका है 20 के बराबर है, ठीक है? डेसिमल हटाए नीचे 100 आ जाएगा, ये आपका 5 टाइम्स गया, ये आपका 4 टाइम्स गया, राइट? 25 से और ये भी आपका 5 टाइम्स जाएगा, यानी 25 वोल्ट का जो खर्च है वो आपका 20 ओम के अक्रॉस हो रहा है, ठीक है? हमने 5 से कट किया इसको, तो 25 5 जा 125, 25 4 जा 100, इसको भी हमने 5 से कट कर दिया। ऑलराइट, चलिए दूसरा देखते हैं बच्चों। वोल्टेज अक्रॉस R2, इसको अगर मैं V2 कह दूं तो कितना हो जाएगा ये? I इंटू R2, यानी आई आपका 1.25 है, आर टू आपका 30। डेसिमल हटाएंगे तो ये 100 आ जाएगा, फिर से ये 5 टाइम्स जाएगा और ये 4 टाइम्स जाएगा, फिर ये 15 टाइम्स 2 से जाएगा और ये 2 टाइम्स जाएगा। 15 इंटू 5 75, 75 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 37.5 वोल्ट। और इस तरीके से आखिरी देखिए, वोल्टेज अक्रॉस R3 यानी कि 50 ओम का जो रेजिस्टेंस है ये आपका हो जाएगा I इंटू R3। I कितना है? 1.25 और R3 आपका है 50। डेसिमल हटाइए 100, ये 2 टाइम्स इससे कट जाएगा, 125 अपॉन 2 यानी कि बच्चों कितना हो जाएगा ये? 125 अपॉन 2 आपका हो जाएगा 62.5, 62.5 वोल्ट। निकाल लिया तीनों के अक्रॉस कितना वोल्टेज खर्च हो रहे हैं। और आखिरी पार्ट देखिए, जो फिफ्थ पार्ट है, आई होप चार पार्ट आपको समझ में आया। फिफ्थ पार्ट कह रहा है पावर डिसिपेटेड इन ईच रेजिस्टर। तो पावर जो है पहले रेजिस्टर के अक्रॉस कितना पावर होगा बच्चों? पावर होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। तो आर वन रेजिस्टर के अक्रॉस हो जाएगा वी वन स्क्वायर अपॉन आर वन, ठीक है? कितना V है? 25, तो ये हमारा हो जाएगा 25 इंटू 25 अपॉन 20, ठीक है? ये 5 टाइम्स चला जाएगा, ये 4 टाइम्स चला जाएगा, यानी कितना है? 25 इंटू 5 आपका हो जाएगा 125, 125 अपॉन 4, ठीक है? वैसे आप पावर को V इंटू I से भी निकाल सकते हैं, वो ज्यादा आसान हो जाएगा तो कैलकुलेशन के लिए, इसलिए चलिए V इंटू आई से निकाल लेते हैं। सेम आंसर आएगा दोनों से, आप चाहें तो इससे भी कर सकते हैं। पावर जो है ये P1 हो जाएगा इक्वल्स टू V1 इंटू I1। V1 कितना आया है? 25
और आई वन आपका है 1.25। डेसिमल हटाइए 100 आ जाएगा, ये 5 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, ठीक है। सेम आ रहा है 125 into 5, सॉरी 25 into 5, 125 डिवाइडेड बाई 4, ये आपका हो जाएगा 31.25 वॉट, ठीक है बच्चों। उसी तरीके से पावर अक्रॉस आर टू, जिसे हम पी टू कहते हैं, ये हो जाएगा वी टू इंटू, ये आई टू क्या आई ही है, सेम करंट फ्लो कर रहा है। वी टू हमारा है 37.5 into 1.25, डेसिमल हटाइए, नीचे 100 आ जाएगा, ये 5 टाइम्स जाएगा, ये 4 टाइम्स जाएगा, राइट। और ये आपका कितना हो जाएगा, 4 से जो कट करिए, 4 9 36, ठीक है, क्या ही बचा 1 1 5 15, तो 15 यानी कि 9 पॉइंट लगभग 9.3 into 5, ठीक है, 9.3 into 5, 93 into 5 आप करें तो 415 आता है, इसलिए आपका आ जाएगा 41.5 वॉट। ये मैंने एक डेसिमल तक लिया, इसलिए आ रहा 2 डेसिमल तक लें, थोड़ा सा आंसर डिफरेंट आ जाएगा, लेकिन उससे कुछ गर्व नहीं होगा आपका। और वैसे ही आप देख लीजिए पावर अक्रॉस आर थ्री, ये पी टू इज इक्वल टू वी थ्री, सॉरी पी थ्री इज इक्वल टू वी थ्री इंटू आई। वी थ्री कितना है, 62.5 into 1.25, डेसिमल हटाइए 100 आ जाएगा, ये 5 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, 62.5 को 4 से कट कीजिए तो 4 into 1, 4 कैरी बचा 2, 2 टू 22 यानी कि 5 टाइम्स 20, फिर से कैरी बचा 2, तो हो जाएगा 15.6 into 5, ठीक है। देखिए 156 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो आपका 780 आता है, डेसिमल है, इसलिए आ गया आपका 78 वॉट। तीनों के अक्रॉस पावर भी हमने निकाल लिया, आप चाहें तो आप वी स्क्वायर अपॉन आर से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, या आई स्क्वायर आर से भी निकाल सकते हैं, सबसे आंसर सेम आएगा। चलिए बच्चों इसको समझ समझ कर आप लोग नोट कर लीजिए। तो बच्चों आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर काफी लंबे समय तक हमने किया, काफी क्वेश्चंस किए, बहुत डिटेल में किए, तो अब ये लेक्चर हमारा समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होने वाला है उससे हम लोग मैग्नेटिज्म स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो मैग्नेटिज्म चैप्टर भी आपको अच्छे से पढ़ना है, और मैग्नेटिज्म चैप्टर स्टार्ट करने के पहले एक बार इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को थोड़ा अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। और क्वेश्चंस को जरूर आपने प्रैक्टिस करने ही है न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा। चलिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ और पढ़ाई जरूर करिएगा, ठीक है, बाय बाय।